हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्री प्राइमरी टीचर के लिए 8,393 वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है और ये इस तरह से बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं इसको आप। तो यदि आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए आप वेटिंग में हो, यानी कि इसके वैकेंसी के वेटिंग में हो, तो आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है। बाकी ये कहाँ से आ रहा है, लास्ट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए हम डिटेल्स देते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको लगता है कि इस तरह का लगातार अपडेट आपको भी आपके मोबाइल पर चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार नॉन स्टॉप यहाँ से आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँचे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, पूरा पूरा न्यूज़ क्या है, पूरा पूरा डिटेल्स क्या है। ये देखिए, ये टोटल तो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर 8,393 वैकेंसी है जो कि प्री प्राइमरी टीचर के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, पहले आप इसका देख लीजिए कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कैटेगरी वाइज इसमें जो आया हुआ है, किस पोस्ट के लिए कैसे है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से टोटल दिया हुआ है यहाँ पर, और बाकी ये देखिए जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था, आपको यहाँ पर डेट दिख रहा होगा 23 नवंबर 2020। ये इसका अनाउंसमेंट तब हुआ था, यानी कि ये 2020 में हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ कि इसका डेट लगातार एक्सटेंड होता चला गया और अभी जो इसका जो लेटेस्ट डेट आया हुआ है, जो करंट डेट आया हुआ है, ये मैं आपको पहले वो नोटिस दिखाता हूँ ताकि आपके मन में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए, मैं आपको वो डेट दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक्सटेंशन डेट आया हुआ है। और बाकी इसके वेबसाइट पर जब चलोगे आप, तो वहाँ पर भी एक्सटेंशन डेट आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, बाकी देखिए कम्प्लीट जो नोटिफिकेशन है, इसमें ये पंजाबी लैंग्वेज में है, तो यदि आप पंजाबी जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हो, किसी ऐसे आपके नोन पर्सन हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जो कि पंजाबी जानता हो, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये डेट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, 21st of April, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है, इसको एक्सटेंड करके 21 अप्रैल कर दिया गया है। तो यदि आपने अब तक इसका फॉर्म नहीं भरा है, तो आप, मौका है आपके पास, ज़रूर भर लीजिए। और बाकी चलिए हम चलते हैं दूसरे पेज पर, जहाँ पर पूरा डिटेल्स आया हुआ है। ये देखिए, ये जो वेबसाइट एड्रेस है जहाँ से ये सारा आपको एसेस होगा, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा, जो पेज आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा पेज उस पर ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो ये है educationrecruitmentboard.com। एक्चुअली ये पंजाब से आया हुआ है और इसमें देख सकते हैं यहाँ से ये जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टोटल आप यहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश वाला तो मैं पढ़ के आपको बता ही सकता हूँ, ये देख लीजिए आप। विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, इसके लिए भी दिखाई पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और टोटल जो पोस्ट है ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर EWS जो होता है ना, जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर जनरल कैटेगरी, उसके लिए 839 है और टोटल ये 8,393 वैकेंसी है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप यहाँ से रीड करना। देखिए, ये लैंग्वेज मुझे भी बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको मैं पूरा पूरा समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका आप लैंग्वेज का जो है ना, यानी पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करिए, जरूर हेल्प लीजिए उन लोगों से जिनको की अच्छी तरह से आती है। बाकी थोड़ा बहुत मैं बता ही दूंगा आपको, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा पूरा कुछ समझा नहीं पाऊंगा आपको। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी जहाँ मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ मुझे समझने लायक है या समझाने लायक है, तो वहाँ पर मैं आपको पूरा पूरा हेल्प करूँगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए डेट वगैरह दिया हुआ, ये देखिए मुझे लगता है कि एज है, और बल्कि एज ही है, ये एज आपका जो है 18 से 37 साल, यानी कि मैक्स मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए, 37 ईयर्स होना चाहिए आपका। और उसके बाद देखिए, ये पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, लेकिन इसका डेट बढ़ चुका है, ये मैंने आपको वेरीफाई कर दिया, क्लियर इससे सारे डाउट्स आपके यहाँ से ख़त्म हो गए कि डेट इसका बढ़ चुका है, 21 अप्रैल इसका डेट रखा गया। और बाकी ये सारा ये है आपका, मुझे लगता है कि मैं पढ़ने पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ तक लगता है कि ये एग्जामिनेशन फ़ी है, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 है और उसके बाकी जो SC ST वगैरह के लिए 500 है, जहाँ तक मुझे लगता है। फ्रेंड, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 95% तो कह सकता हूँ कि ये है वही एग्जामिनेशन फ़ी है। फिर भी आप देख लेना, कोई नॉन पर्सन हो आपके तो उनसे आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। बाकी आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, यदि आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो आप हेल्प ले लेना।
और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर देखिए जो 9th पॉइंट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें देखिए इसका जो एग्ज़ाम जो होना है, तो इसका एक प्रॉपर पैटर्न भी है, सिलेबस भी है। मैं सिलेबस भी आपसे डिस्कस करूँगा अभी। ये देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं एंड पॉइंट तक, इसमें क्या कुछ और भी है इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑनलाइन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 1/12/2020, लेकिन ये पहले का डेट है, ऑलरेडी ये हो चुका है, मतलब ऑनलाइन शुरू है। आप इसको 21 अप्रैल तक इसको भर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको इसका जो है ना दिखाता हूँ सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस भी जानना देखिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये जो आपका एग्ज़ाम होना है इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये इसमें तो मैं आपको पूरा पूरा 100% रीड करके बता रहा हूँ आपको, चूँकि इंग्लिश हिंदी इसमें दिक्कत नहीं होता। सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑफ 8,393 पोस्ट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स। इसके लिए क्या 100 मार्क्स का एग्जाम आपका एग्जाम होना है, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा और 2 घंटे का पेपर होना आपका ये। और इसमें देखिए सिलेबस आपका क्या रहेगा, मतलब कि जो टॉपिक है वो जो जो होना है आपके एग्जाम में, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 50 मार्क्स के रहेगा। और इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद सीम आ जाएगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, पंजाबी इंग्लिश हिंदी ये 5-5 नंबर का रहेगा। और उसके बाद डी में जो है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के लिए 20 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका। और इस तरह से ये 100 मार्क्स जो जैसे ई सेक्शन आपका, इसमें से 15 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका टोटल जो है। और करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके लिए 25 मार्क्स रहेगा, यानी कि टोटल जो है वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का आपका होगा। सिलेबस भी मैंने आप डिस्कस कर लिया, अब मैं आपको इसका वेबसाइट दिखाता हूँ ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए ये है वेबसाइट, आपको क्या करना है या इस वेबसाइट पर आना है। पहले इस वेबसाइट का एड्रेस जो है ये है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड .com। आप देख सकते हैं यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब, एजुकेशन एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड पंजाब SAS। अब यहाँ पर देखिए जैसे आने के बाद आपको क्या करना है, ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में जाना है आपको। ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जैसे क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर जो अब ये डिफरेंट जो इसमें नोटिस आया हुआ है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्लिक करना आपको रिक्रूटमेंट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर 2000। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट टू अप्लाई फॉर प्री प्राइमरी पोस्ट। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो सारा सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जो हमने आपसे मेंशन किया। तो बाकी ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए आया हुआ है और एक बल्क वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो इसको आप ज़रूर भरिए। और इस तरह के लगातार अपडेट के लिए, इस तरह से वैकेंसी अलर्ट के लिए, यानी कि इस तरह से टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए वैकेंसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यदि नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड सर्कल में जो भी हो उनको पता चले, वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर हम इस तरह की और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।